আজি ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানত বন্দী ভাৰতীয় ডেৰ বছৰ পিছত নিজ দেশত উপস্থিত হ'ব ৱাহিদা বেগমৰ তেওঁৰ পুত্ৰ পাকিস্তানৰ কুৱেটা জেলত বন্দী হৈ আছিল ৱাহিদা বেগমৰ তেওঁৰ পুত্ৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ আছিল অসমৰ ৱাহিদা আজি পুৱা ৱাঘা সীমান্তৰে হ'ব হস্তান্তৰকৰণ কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৎপৰতাত এই হস্তান্তৰ এই বিশেষ সবিশেষ সদৰি কৰিলে ৱাহিদা বেগমৰ হৈ আইনী যুঁজ চলাই যোৱা অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ চুমনে पाकिस्तान की सरकार यानी वहाँ का मिनिस्ट्री जो है उसने एक लेटर मुझे भेजा जिस लेटर में साफ़ शब्दों में लिखा हुआ है कि उस लेटर के माध्यम से वहाँ की सरकार जो है जो लेटर दिया है उस लेटर में वहाँ का जो मिनिस्ट्री है इंटरनल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसने एक अपना लेटर इशू किया जिस लेटर को उसने इशू किया है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को जिसमें साफ लिखा हुआ है कि उनतीस तारीख को भारत की ज़मीन यानी बाघा बॉर्डर पर जिसमें होम सिक्रेटरी पाकिस्तान वाहिदा बेगम को लाहौर जेल से टेकअप करेगा और बाघा बॉर्डर पर लाकर के छोड़ेगा अब होम सिक्रेटरी इन पर्सन आवे या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आवे फुल सिक्योरिटी में उसको वहाँ लाएगा वहाँ आने के बाद बाघा बॉर्डर पर जो इंडियन इंडिया गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर्स होगा ये भी सिक्रेटरी लेवल का होगा होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी लेवल या एक्सटर्नल अफेयर का सेक्रेटरी लेवल का होगा इसमें साफ लिखा हुआ है कि वहाँ का सेक्रेटरी आ रहा है अब उसमें ये जिसको रिप्रेजेंट के लिए भेज दे वो जाएगा वो वहाँ उसको रिसीव करेगा मुद्दा चूँकि क्राइम से जुड़ा हुआ है एफ लॉज है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल सेवन में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी इज द स्टेट पॉलिसी यह केंद्र सरकार की या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है यह है राज्य सरकार की पॉलिसी सुरक्षा देना नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और आसाम में ऑलरेडी एफ आई लॉज है तो आसाम पुलिस वहाँ पर, पर मौजूद रहेगा और वो हो सकता है उसको टेकअप करने के बाद वो आसाम उसे लेकर जाए और वहाँ उसका स्टेट